अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबील कादिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंटी नारकोटिक्स फोर्स में जो सीट्स आई थी, जिन पर पहले फिजिकल हुआ था एमएस गैरिजन में, देन उसका रिटर्न टेस्ट हुआ था एएसआई का, सब इंस्पेक्टर का हुआ था 31 को संडे को, फोर्टर स्टेडियम में लाहौर में, और इस्लामाबाद में पंजाब के दो सेंटर बने थे लाहौर और इस्लामाबाद, फिजिकल का भी और रिटर्न का भी। फिर एएसआई का हुआ था 1 को, इस्लामाबाद में भी 1 को था और लाहौर में भी 1 को था, वो भी फोर्टर स्टेडियम हुआ था। फिर कांस्टेबल का हुआ था 2-3 को, मोस्टली शिफ्ट में थी, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में होता था ये पेपर, इस्लामाबाद में हुए थे और लाहौर में, अगेन सेंटर वही बने थे जो फिजिकल के लिए बने थे। तो ये 31, 1 और 2 फेब तक, 31 जनवरी, 1 और 2 फेब तक हमारा ये जो रिटर्न टेस्ट है वो क्लियर हो गया था। लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी फिजिकल में, तो यहाँ एमएस गैरिजन में जगह भी थी, लेकिन वो लोगों को बुलाते रहे 14 से 21, 22, 23, 28 तक, 28, 29 तक लोगों के फिजिकल हुए। फिर रिटर्न टेस्ट हुआ। अब रिटर्न टेस्ट के बाद अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि मेरिट कितना बनेगा। मेरिट इसका बहुत हाई होगा, क्योंकि इसकी एक तो वजह ये है कि जी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था, ऑलमोस्ट 3-3.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया था और 450 से 500 तक सीट थी, तो लोगों का जहाँ बहुत ज़्यादा था। सब इंस्पेक्टर पे बहुत लोग थे, पेपर थोड़ा सा सब इंस्पेक्टर का डिफ़िकल्ट था एज़ कम्पेयर टू एएसआई और कांस्टेबल, पेपर थोड़ा सा टफ था, इस वजह से मेरिट थोड़ा सा हाई होगा, लेकिन मेरिट इतना हाई नहीं होगा, 70+ मेरिट बनेगा। 70 से कम वाले जो हैं वो कहीं और प्रिपेयर करें, या वो एएसआई के लिए अगर किया होगा तो उसमें देखेंगे। सब इंस्पेक्टर का, सब इंस्पेक्टर और एएसआई दोनों का मेरिट 70+ बनेगा, क्योंकि लोगों का अगर तादाद देखा जाए तो 22 सीटें एएसआई की थी और बहुत ज़्यादा लोग थे, और 12 सीटें पंजाब के लिए सब इंस्पेक्टर की थी और आवाम आपके सामने थी। फिर कॉन्स्टेबल की 99 सीट्स थी पंजाब के लिए और बहुत ज़्यादा लोग थे, यहाँ फोर्टर स्टेडियम था वो फुल हो गया था सिर्फ कॉन्स्टेबल वाले दिन एक शिफ्ट का, और एएसआई में भी इतने लोग नहीं थे, सब इंस्पेक्टर में भी इतने नहीं थे जितने कांस्टेबल में लोग आए थे, बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था। उसके बाद अब हम यानी कि कांस्टेबल का मेरिट भी 70+, 70 to 80 हो सकता है, कम नहीं हो सकता। अब हम लोग बात करते हैं कि ये क्राइटेरिया कब तक कंप्लीट होगी, ये सारी डिटेल। तो ये एएनएफ का ऑफिशियल लेटर है जो मेरे पास मौजूद है, डाटा एंट्री कंपाइलेशन ऑफ डाटा 18 से 24 दिसंबर तक आपको वो सारी चीज़ें आपकी डाटा एंटर कर लेंगी और कंपाइल कर लेंगी लिस्टों को, देन वो प्रिपरेशन डिस्पैच कॉल लेटर फिजिकल के लिए, कॉल लेटर आपको 25 से 29 दिसंबर तक चले गए थे, ये इसी डेट में आए थे। डिलीवरी टाइम फॉर कॉल अप लेटर फिजिकल 30 से 5 जनवरी तक आप लोगों को रिसीव हो गए थे। फिजिकल मेडिकल रिटर्न टेस्ट 6 से लेकर 23 जनवरी तक आप लोगों का फिजिकल टेस्ट हुआ था। 24 जनवरी से लेकर 1 फेब तक आप लोगों की पेपर मार्किंग होगी। कंपाइलेशन ऑफ रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू 2 से मेरिट लिस्ट फॉर इंटरव्यू 2 से 10 फरवरी तक, वो कहते थे कि कंपाइलेशन ऑफ रिजल्ट टेस्ट और मेरिट लिस्ट ऑफ इंटरव्यू वगैरह अलग अलग जाएगी 10 फेब तक, अब आज 7 हो गई, आप देखते हैं कि ये उनकी ऑफिशियल लेटर है। प्रिपरेशन डिस्पैच ऑफ कॉल लेटर इंटरव्यूज 1 से 16 फेब तक आप लोगों को मैसेजेस या कॉल लेटर आ जाएंगे इंटरव्यू के लिए। डिलीवरी टाइम फॉर कॉल ऑपरेटर ये है, टेक्निकल टेस्ट इंटरव्यूज 24 से लेकर 7 मार्च तक, और सारा जो ज्वाइनिंग आपकी कंप्लीट होगी 2 अप्रैल को 2021 में, ठीक है जी। इन्होंने बहुत तेज़ी से काम किया है, इतनी तेज़ी से अगर कोई एजेंसी अंदर होती शामिल, CTS, ITS, PTS, NTS वगैरह, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती, ये अच्छी बात है कि इन्होंने बहुत बगैर किसी को इन्वॉल्व किए बड़ी अच्छी तेज़ी से काम कर लिया। तो जिन लोगों ने बहुत अच्छा पेपर दिया है वो इंटरव्यू की तैयारी करें, इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा आपकी सिलेक्शन, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे, मैट बहुत हाई बनेगा, लोग बहुत सारे इंटरव्यूज़ में आएंगे, आपका इंटरव्यू आपको बताएगा कि आपने आगे सिलेक्शन होनी है या नहीं। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, आप अपनी तैयारी भरपूर रखें, और कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस या कोई भी इंफॉर्मेशन के रिलेटेड सवाल हो या किसी किस्म की कोई भी क्वेरीज हो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको रिस्पॉन्ड करूं, और भी किसी जहन में जो भी सवाल होगा उसका भी भला हो जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।